Hi, welcome back to my series of safe fertility freeze eggs. There are two things you should always take care जब भी आप egg freezing के बारे में सोचते हैं. Number one, आपकी age. Number two, आपका AMH level, आपकी ovarian health. हालांकि जब भी आप एक gynecologist के पास जाएंगे, they will take care of your ovarian health and also अगर आपके AMH levels इतने अच्छे हैं कि आप अपने eggs freeze कर सकते हैं. You should always take care that second day of the periods is the best day जब आप अपनी ovarian health check करा सकते हैं and also अपना hormone levels check करा सकते हैं just in case कहीं पर भी कोई difference है. Also, two things that you should also take care जब भी आप अपने egg freeze के बारे में सोच रहे हैं. It's not a pocket friendly thing. It is not something जो हर इंसान afford कर सके. Yes, it is something you should always do अगर आप आज pregnancy plan नहीं कर रहे हैं या आज शायद अपनी marriage plan नहीं कर रहे हैं. बट जब भी आप एग फ्रीजिंग के बारे में सोचें, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से इस प्रोसीजर में कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी इस बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है. फॉर ऑल द प्रोफेशनल्स वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि इट इज़ अ प्रोसीजर ऑफ 10-12 मे बी 15 डेज. जब भी आप ऐसी कोई कमिटमेंट करें, अपना टाइम और अपनी पॉकेट दोनों को ही समझ कर फिर ही ऐसा स्टेप लें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल्सो स्टे ट्यून टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द ओवेरियन फर्टिलिटी.